फैशन की दुनिया में अब पटना की भी भागीदारी बाजार में विस्तारित हो रही है। बिहार में भी अब प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे वह फैशन डिजाइनिंग हो या ज्वेलरी डिजाइनिंग। सभी क्षेत्रों में बिहार के प्रतिभावान कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पटना के एक होटल में 9वें नेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण मिस इंडिया इंटरनेशनल अभिनेत्री सुप्रिया एमन रही। सुप्रिया एमन ने एग्जीबिशन को काफ़ी अद्भुत बताते हुए कहा, मुझे खुशी है कि यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है, साथ ही यहाँ की हर चीज़ें अद्भुत है और इस ज्वेलरी पर कलाकारों द्वारा कमाल की कारीगरी की गई है। मैं फर्स्ट विजिट नहीं है मेरा पटना में, पहले भी आ चुकी हूँ, बट इस ईयर में फर्स्ट विजिट है मेरा। और जो आप ज्वेलरीज देख रहे हो, आप खुद भी एक लेडीज हो, तो ज्वेलरीज में लेडीज को ज्यादा शौक रहता है, तो ये ज्वेलरी शॉप में किस तरीके का फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्यारे प्यारे ज्वेलरीज हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि पटना में अपनी तरह का ये एग्जीबिशन है और ये 9th एडिशन है और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है यहाँ पर SSVASS द्वारा आयोजित है और बहुत बहुत अच्छी फील होता है जब ऐसे एग्जीबिशन पटना में किए जाते हैं और लोग आते हैं बाहर से, ज्वेलरी व्यापारी आते हैं यहाँ पे अपना शोकेस करते हैं ज्वेलरी, सो इट फील्स गुड। ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू कम्प्लीट योर स्टडीज, देन यू गो आउट एंड do whatever you want to do, but first be educated, then only you will get confident and you will be confident enough to go outside and you know perform well, and if you are well educated you can also convince your parents and you know like you can perform well outside. यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि पटना में ऐसे एग्जीबिशन, ज्वेलरी एग्जीबिशन में पहली बार देख रही हूँ, शायद होता होगा बट मुझे ये पहली बार पता चला कि यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बाहर की ज्वेलरी व्यवसायी यहाँ आ रहे हैं, अपना ज्वेलरी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, इतने बड़े स्तर पर हो रहा है तो ये एक तरह का, क्योंकि मैं खुद भी एक पटना से हूँ और ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। बहुत सारी चीज़ें, जब मैं रहती थी यहाँ पर तो मॉल्स नहीं थे और अभी मैं देखती हूँ कि हर जगह मॉल्स खुल गए हैं, लोग एडवांस हो गए हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, उनको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, पहले भी पता था बट नाउ दे आर मोर कॉन्फिडेंट। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, अपने नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहूँगी कि मॉडल्स और एक्टर्स पर भी ध्यान दीजिए। आप काफ़ी क्षेत्र में हमारा बिहार उन्नति कर रहा है, सड़कें बन रही है, पुल बन रही हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को नया बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये ऐसा क्षेत्र है जो बिहार में अभी भी पीछे है और थोड़ी सी यू नो ध्यान देने की ज़रूरत है इस तरफ भी। थैंक यू सो मच।